इसी के साथ साथ हम कार्यक्रम में आपके लिए पेश कर रहे हैं सिमरन अरोरा, जो कि पुराने को आपके सामने लेकर आ रही है। एक बार जोरदार ढंग के साथ सम्मानित कीजिए। जीने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर है। आप पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पहले आप इंजीनियरिंग के छात्रों को पढ़ाते और बाद में अपना संपूर्ण जीवन आरएसएस को समर्पित कर दिया। आप प्रबंधक रूप से जाने जाते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। कुछ किया है, दिया है, उनका ये व्रत, उनका ये प्रयास वृद्धि होता रहे, आगे बढ़ता रहे और लोगों के लिए वो प्रेरणादायी बनता रहे, यह विश्वास है। संस्था ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर जो मान सम्मान देने का कार्य है वो अभिनंदनीय है। आयोजकों को मैं बधाई देता हूँ, मुझे यह बुलाया, स्वागत किया, आपका तहे दिल से ऋणी हूँ। नमस्कार, भारत कीजिए। आज आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुमेन कोले हूँ, सिर्फ तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक के विकास शिल्प केंद्र, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जर्नलिस्ट में काम कर रहा हूँ एक साथ। तो हमको जो चुना गया है कि उस काम के लिए, मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है उस काम के साथ साथ जो ये काम हम आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों को मिक्स करके हमको ये जो ऑल मीडिया जो आज जो अवार्ड दिया है के चलते हमको चुना गया है। और हमको बहुत अच्छा लगा है कि ये अवार्ड जो मिला है उसको तो खुशी की बात है, लेकिन आज जो जो आदमी यहाँ पे मंच पे उपस्थित हुआ था और जो जो आदमी यहाँ पे
मंच के बाद भी जो जो आदमी यहाँ पर उपस्थित हुआ था सबके सामने जो ही मिला है ये बहुत है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इस काम को भी और आगे बढ़ाएंगे। समाज सेवा में मेरा जो काम है वह मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है तफसील जाति आदिवासी आरक्षण से लेकर किसी भी का शिल्प केंद्र का जो काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जनकल्याण जो काम होता है जैसे स्वच्छ भारत अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ डिजिटल इंडिया ये सब हमको हम आदमी लोगों तक तो पहुँचा देता हूँ। और मैं एक्चुअली बिलोंग्स करता हूँ कलकत्ता से वेस्ट बंगाल से तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी जो कार्यक्रम होता है जैसे कि कन्याश्री प्रकल्प युवश्री प्रकल्प सेफ ड्राइव सेफ लाइफ ये सब काम को ही मतलब दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही काम को हम आदमी लोगों तक पहुँचा देता हूँ। समाज सेवा और जर्नलिज्म दोनों को एक साथ कैसे लेकर चलते हैं? दोनों को एक साथ इसी करना है और कर पा रहा हूँ इसीलिए कि हमको काम करने के लिए ऑल ओवर वेस्ट बंगाल 18 जिले जाना ही पड़ता है। जहाँ पे जाता हूँ जहाँ पे प्रोग्राम होता है वहीं पे कोई ना कोई किसी ना किसी का कुछ मजदूरी आ ही जाता है तो उसको मैं क्या करता हूँ उसको ऐड कर देता हूँ। अगर हमको कोई जगह पे जाके खबर लेने का कोई जो नहीं पड़ता है जहाँ पे मैं जाता हूँ वहीं पे किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई घटना हो ही जाता है इसीलिए हमारा और एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। वेस्ट बंगाल कोलकाता हमारे पहले से